अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग कराची, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट रिदा सैफी जी, और मैं आपके साथ बने रहते हैं सुबह 9 से 11 तक मंडे फ्राइडे। आज भी आपके सामने मौजूद है बहुत सारी खबरों, तबसरों पर, बात तथ्यों के साथ। इलेक्शन का दौरा है और इसी हवाले से चर्चा है, हर तरफ इलेक्शन के हवाले से तैयारियां जारी हैं और इसी हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू पिछले कई प्रोग्राम में हमारी रही और आज वो सिलसिला जारी रहेगा और साथ ही आपकी लाइव कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, और सबसे पहले एक रियली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज बात करेंगे वो ये है कि जो इलेक्शन के हवाले से कैंडिडेट्स कंप्लेन कर रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट की जो है खिलाफ वर्जी हो रही है बहुत सारी जगहों पे, उस पर बात करेंगे ख़ास तौर पे, क्योंकि बहुत सारे जो सियासी जमातें हैं और उनके जो कंटेस्टेंट हैं उनको शिकायत है इस हवाले से कि जी हमारी इलेक्शन कैंपेन में हमें भरपूर तरीके से हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा, कुछ लोगों को इजाज़त है कि उनके झंडे भी लगे सारी चीज़ों, कुछ लोगों के झंडे उतार लिए जा रहे हैं, ऐसा क्यों है, क्या है, सबको स्पेस मिलनी चाहिए, इस पर भी बात करेंगे जी। इसके अलावा आपको बताएँ कि जी जो कमरुल इस्लाम राजा को ठोस शवायद की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया था जी, उसके हवाले से जो है वो नैब लाहौर के डायरेक्टर जनरल शहजाद सलीम ने कहा है कि साफ पानी केस में कमरुल इस्लाम राजा को ठोस शवायद की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है। जिस फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीम पर औसतन 25 से 40 लाख रुपये खर्चा था, उसी मेयर के 116 प्लांट 1.5 करोड़ फी कस में लगाए गए हैं। तो ये इसकी डिटेल इस केस की अब आ गई, साफ पानी केस के हवाले से आपको बताया कि इसका केस चल रहा है करप्शन के हवाले से, तो इसमें जो है वो नैब का मौक़िफ़ भी अब सामने आ गया, क्योंकि बहुत दिन से ये बातें चल रही थी कि ये गलत उठाया है, इलेक्शन का सीज़न है, फलां ढमकड़ा, तो लेकिन वो अब नैब का मौक़िफ़ जो है वो सामने आ गया है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, और नैब के हवाले से इस वक्त फैसले हो रहे हैं, एक फैसला ये भी सामने आया है कि अब जिन लोगों के खिलाफ मुकदमात कायम हैं या इंक्वायरीज हो रही हैं, 25 जुलाई तक उन कैंडिडेट्स जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनकी गिरफ्तारी को जो है वो मौखर कर दिया गया है। तो ये भी एक बड़ा गैर मामूली फैसला है, इस हवाले से भी बात करना, यानी कि 25 जुलाई तक आपको एग्जम्पशन है कि आप जो चाहें करें, और ये एक बड़ा आप समझ मतलब सीट पर आते ही आपको ले जाएंगे कि चलो अंदर, जीत जाएंगे इलेक्शन तो उसके बाद आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी, मतलब 25 जुलाई तक आपको फ्री हैंड। कैसे इलेक्शन, कैसे इलेक्शन, यही तो समझ में नहीं आ रहा, वरना टेक्निकली तो कल एवान फील्ड रेफरेंस केस की समाअत है और उसका फैसला भी आ रहा है। सवाल ये उठता है अगर फॉर एग्जांपल सज़ा हो जाती है टेक्निकली, और मरियम नवाज साहबा और ये जितने लोग हैं उनका भी आपको पता है, मरियम नवाज साहबा एनए 125 से जो है कंटेस्ट कर रही हैं, तो सवाल ये है कि अगर इस तरह से कुछ लोग केसेस में सज़ा पा लेते हैं, कुछ हो जाता है, फिर आया क्या दोबारा डेट अनाउंस होगी लोगों के दस्तावेज़ात जमा कराने की और फॉर्म्स की, क्या होगा इलेक्शन का, क्या करेगा, आया वाकई 25 जुलाई को इलेक्शन हो भी रहे या नहीं, ये भी सवाल उठ जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने बिल्कुल ठीक कहा, और इसी के हवाले से बहुत सारे लोगों के तहफ़ात सामने आ रहे हैं और बहुत सारी पोलिटिकल पार्टीज़ अभी भी स्टैंड बाई के ऊपर हैं और अभी तक उनकी जो पोलिटिकल कैम्पेन है वो उस तरह से नहीं हो सकती है जिस तरह से होनी चाहिए थी। और ये भी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कुछ पार्टी को, बल्कि एक ख़ास पार्टी को जो है इस वक्त लगता है ऐसा है कि फ्री हैंड दिया गया है कि वो रैलीज भी इनका उसका कर सकती हैं, ये भी लगा सकती हैं, अपनी प्रमोशन के ऊपर काम भी कर सकती हैं, लेकिन जो दीगर जमातें हैं जितनी भी बड़ी, वहाँ पर हम देख रहे हैं कोई ख़ास हमें गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही, और उसकी वजह यह है कि इस वक्त की जो पॉलिसीज़ हैं बहुत ज़्यादा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सख्त हैं, जिसकी बिना पर अभी तक हमने देखा है कि जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनकी कैंपेन जो है। दूसरी आपने सही कहा है, दूसरी जाने पंजाब की बात कर लेते, तो पंजाब में कौमी असेंबली के लिए 65 उम्मीदवार हैं जो जीप के निशान से लड़ेंगे और जीप का निशान बनाया, जिसमें सबसे सर फहरिस्त बात कर लें तो साबिक वजीर दाखला चौधरी निसार हैं और दूसरी जानब सूबाई वजीर जईम कादरी हैं, और इसके अलावा तवील फहरिस्त है जिसमें 65 लोग हैं ये टोटल जिनको बताया जा रहा है। लेकिन अब देखना ये नून लीग छोड़ छोड़ कर जीप के निशान पर लड़ने वाले क्या हुकूमत बनाएंगे या फिर क्या होगा, कुछ समझ से बालातर है इस वक्त भी। अच्छा, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये वाकई समझ से बालातर है, क्योंकि जैसा हमने देखा कि सिंध के अंदर जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बना है उसमें जो बाकी ग्रुप है वो एक अरसे से जिद्दोजहद में मसरूफ है, अपने साथ लोगों को मिलाना और उनसे गुफ्तगुशनीद हो रही है, बहुत सारे लोगों को शामिल आज तक वो कुछ डिलीवर नहीं कर सके प्रैक्टिकल ग्राउंड पे, बहुत सारे लोगों को जमा करने में काफी वक्त लगा yes. है। लेकिन ये बड़ी गैर मामूली बात है कि अभी थोड़े अरसे पहले ही चौधरी निसार अली खान ने ये फैसला किया कि वो आज़ाद हैसियत में हिस्सा लेंगे और उसके बाद जो है उनके साथ लोगों ने जुड़ना शुरू कर दिया, तो ये कैसे मुमकिन है और ये क्यों हो रहा है,
ये एक बड़ा अहम सवाल है। अहम सवाल है कि क्यों हो रहा है, लेकिन जवाब इसका कौन देगा ये भी है। वेल आपको ये भी बताएं कि इत्तेफाक हो तो काला बाग डैम भी बन सकता है। भादशाह और मेहमन डैम फौरन बनाने का हुक्म, मुशर्रफ जरदारी बैनून मुल्क असासे जाहिर करें, ऐसा कहना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार का। बिल्कुल जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने स्टैंड ले लिया है और एक बड़ा अहम फैसला, और फिर वही बात एक दफ़ा जो इससे पहले भी करते आए हैं प्रोग्राम में, कि जो अहम फैसले हम उम्मीद करते हैं कि जमहूरी हुकूमतें मुंतखब हुकूमतें करें, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लेना पड़ा। यानी कि पानी का एक बहुत बड़ा अहम और संगीन मसला, बड़ा देरीना मसला है, लेकिन इसके हल के हवाले से अभी भी किसी सियासी जमात की संजीदगी नजर नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहा यह जा रहा है इमरान खान से इत्तेहाद मुश्किल है, लेकिन नून लीग इलेक्शन का बायकॉट ना करे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। नून लीग को ये एक मुफ्त और रजाकाराना मशवरा है और उन्होंने ये कहा है, और इस वक्त आपको पता है यही गूंज इस वक्त हर जगह दिखाई दे रही है। जब से जीप वालों का निशान मिला है, जब से पीएमएलए ने ये क्लेम करी है कि उनको स्पेस नहीं दी जा रही, तब से ये कहा जा रहा है कि हो सकता है, और कल के फैसले के बाद बहुत हद तक मुतवक्के है कि नून लीग जो है वो इलेक्शन का बायकॉट करेगी। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, और लगता है ऐसा है, महसूस होता है, और कल का दिन आम है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। कल के दिन के बाद बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में अभी बात हो रही है, स्पेकुलेशंस हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी, और फैसले को मौखर करने के हवाले से भी मियां नवाज शरीफ साहब जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने दरख्वास्त की। क्या फैसला मौखर होता है, और अगर कल फैसला हो जाता है, क्योंकि तहरीरी फैसला जो महफूज कर लिया गया, उसे सुनाना है कल, अगर वो फैसला हो जाता है तो फिर फैसला। बट लेट इट क्लियर यू ओवर हियर वन पॉइंट मोर के दूसरी जाने मरियम नवाज साहबा का स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा है कि जेल जाने के लिए तैयार है, सजा मिलती है तो जेल जाएंगे। well, let's see, देखते हैं कि कल क्या होता है। लेकिन आपको एक और चीज बता दें कि प्राइमरी तालीम में पंजाब इस वक्त भी सबसे आगे है। अलिफ ऐलान के हालिया सर्वे में ये बात सामने आ गई है जी, और आपको बताएंगे हमने पहले भी ये बात की है बहुत दफ़ा कि तालीम की जहां बात होती है, फिर भी बहुत कदरे पंजाब आगे है बाकी सारे सूबों के अगर जो उनका मवाजना कर ले उसमें, और इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, और तालीम के मैदान में ही हमें देखना है कि कौन आगे जाता है, सेहत और सफाई के हवाले से, पीने के साफ पानी के हवाले से, और तालीम के हवाले से जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसमें हमें जैसे देखा है कि दीगर शोबों में पंजाब सर फहरिस्त, तालीम के साम शोबे में भी पंजाब सर फहरिस्त नजर आता है। बिल्कुल जी, आपको बता दें कि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर लंदन फ्लैट्स रेफरेंस का फैसला लिखने में मसरूफ हो चुके हैं। फाजिल जज की रुख्सत के बाईस अहम केसों की समाअत मुलतवी हो गई है। जुम्मे के रोज़ यानी कि कल के रोज़ बताया जा रहा है कि जियावान फील्ड रेफरेंस केस की समाअत होगी, और जी ये फैसला जो कि लिखा जा रहा है, जो कि महफूज हो रहा है, वो सुनाया जाएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, खबरें और भी हैं जिसके ऊपर बात करेंगे और आपकी राय भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। बिल्कुल जी, ब्रेक पर जाएंगे, जाते जाते आज के वार्डरोब की बात करते हैं। आज का वार्डरोब में स्पॉन्सर क्या है जी, स्टाइलो प्रेट ने, और बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है, और समर्स का सीज़न है सब मानसून का, तो उसमें कलर जो है ये बड़ा प्यारा लग रहा है, लाइट लाइट सा कलर है, डिज़ाइन बहुत अच्छा बना हुआ है, और बहुत ही डिफरेंट पैटर्न का काम हुआ हुआ है। सो आई मस्ट से कि बहुत अच्छा डिज़ाइन है, कलर बहुत अच्छा है। स्टाइलो प्रेट इनकी मेन आउटलेट है जी तारिक रोड पर। सो थैंक यू सो वेरी मच स्टाइलो प्रेट फॉर सेंडिंग अस दिस ब्यूटीफुल ड्रेस। तो जी इसी के साथ एक ब्रेक की जाने भी बढ़ेंगे जी, और ब्रेक पर जाने के बाद, ब्रेक पर यानी कि जा के आने के बाद वापस जो है यहाँ मेहमान होंगे, उनसे डिस्कस करेंगे कि क्या पॉलिटिकल सिनेरियो। सो स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। फिर गुड मॉर्निंग कराची, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, और आप सब उम्मीद करते हैं कि ठीक हो, खुश हो, बख़ैर हो, आफियत हो। और जी इस वक्त बात करेंगे पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से, क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, किसको कितनी स्पेस मिल रही है और किसको क्यों नहीं मिल रही, इस पर बात करेंगे। नदीम मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद है जी, सीनियर तजियाकार हैं और जो है वो एंकर पर्सन भी हैं, आप उन्हें जो स्टेट चैनल है उस पर भी देखते रहते हैं, उनको खुश आमदेद कहते हैं। बहुत शुक्रिया नदीम मौलवी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जी, कल इमरान खान साहब कराची में आए और उसके बाद हम देख रहे थे कि वो
जो हमारे पास शिकायतें मिल रही हैं वो पीएमएलएन की तरफ से मिल रही हैं, वो आपके पास भी इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से उन्होंने कहा कि जी ये जो इसका क्लॉज नंबर 16 है उसमें जो है जी उसके अगर इसको पढ़ें तो ये जो है आप देखें ना कि वेपन्स और फायर आर्म्स पब्लिक मीटिंग्स और प्रोसेशंस में जो है वो शो नहीं करा सकता, लेकिन इमरान खान साहब का प्रोटोकॉल करा रहा था कल भी और हमने देखा कि बहुत हो रहा है। और फिर वो आगे से ये भी जैसे हम देख रहे हैं कि उनके झंडे पूरे शहर में लगे हैं और हर तरफ स्पेस मिल रही है, किसी को स्पेस नहीं दी जा रही, क्या हो रहा है, इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं नून लीग की जानिब से। देखें पहले तो सबसे पहली बात जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, आपको और बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावती। सबसे अहम बात जो आवाम को ये समझ लेना चाहिए कि हमारे दुश्मन को ये इलेक्शन जो है ना अच्छा नहीं लग रहा और वो कोई ना कोई मौका ढूंढ रहा है कि मुल्क के हालात को खराब करे। ठीक है, दुश्मनों में कौन कौन आता है ना? उन दुश्मनों में हमारे वो मुल्क जो कि हमारी तरक्की नहीं देखना चाहते ना, वो चाहते हैं कि हम डेवलप करें। आप देखें कभी सी पैक जब शुरू हुआ था, आप बेसिकली हमेशा याद रखिएगा हिस्ट्री तारीख ज़रूर पढ़ा करें, तो जब से ये शुरू हुआ वाक़यात कि हम पाकिस्तान ने अपना सर उठाना सीखा और आंखों में आंख डालना सीख लिया दुश्मन से भी और उन दोस्तों से भी जो कहते थे दोस्त थे और थे असल में दुश्मन। बहुत खूब, बड़ी अच्छी बात। ठीक है जी, अब हम आए कि अब ये क्या हो रहा है, सियासत इस वक्त कहाँ से किस तरह से अपना स्टेप्स लेके फॉरवर्ड जा रही है। अब आप देखिए कि पहले इन्होंने शुरुआत जो की ना, जिसे कहते हैं ना चिंगारी है, आग लगाना है, चिंगारी का काम है आग लगाना, तो चिंगारी अब ये शुरू किया है इन्होंने, आग लगाना तो इनका मकसद है, इसलिए कौम को अवाम को बहुत मोहतात होना पड़ेगा। अब चिंगारी मैं आपको बताऊं, फारूक सत्तार साहब मस्जिद में जाते हैं, ठीक है, दो आदमी उठ के बोलते हैं, मस्जिद में कितने लोग होते हैं, सही बात है, ठीक है, अब वो दो आदमी को इलैबोरेट किया जाता है, ठीक है, जनाब ये हो गया वो हो गया, भाई दो आदमी की कोई कोई औकात नहीं होती, ठीक है, अगर आप इतने बड़े पर उसको इलैबोरेट किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, अब आ जाइए पीपल्स पार्टी की तरफ, बिलावल साहब जाते हैं, एक हुजूम आता है, लोग मार रहे हैं, पत्थरे कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा पुलिस जब भी कोई छोटा सा भी क्राइम होता है, बड़े से बड़ा इंटेलिजेंस स्कॉटलैंड यार्ड का भी लिया है, उसको कम से कम 24 से 36 घंटे लगते हैं उस क्राइम के बारे में बताने को, यहाँ पत्थर नहीं हुआ आधे घंटे बाद पीपल्स पार्टी का बयान आ रहा है जी एमक्यूएम वालों ने किया, अरे भाई इतनी आपकी इंटेलिजेंस है तो कल से आप लोग पुलिस में चले जाए, क्या बात, क्या आपने यहाँ हुआ नहीं और आपने फौरन इल्जाम। अब ये देखिए इल्जाम जो है ये नफरतें फैलाना, देखिए सियासत नफरतों से नहीं होता, बहुत खूब, आपने अगर इलेक्शन लड़ना है तो कारकर्दगी से करें, आप कन्वेंस करें, आपके पास जवाब होना चाहिए। अच्छा अब वो क्या है, एक खौफ भी बिठा दिया, मैं कुछ सियासतदान दोस्तों के पास गया हूँ मुख्तलिफ, क्यों मैं आपको एज ए जर्नलिस्ट, मैं पीटीआई के पास भी जाके बैठता हूँ, एमक्यूएम के पास भी बैठता हूँ, पीपल्स पार्टी के पास भी, अब वो सियासतदान जो है वो कहते हैं भाई अगले जलसे में कोई मसला तो नहीं होगा, बिल्कुल सही, कोई पत्थर तो नहीं मारेगा। अब ये क्या है कि इसको हमारी जो एजेंसीज है वो मॉनिटर कर रही हैं, नदी मौलवी सॉरी कोई हालात खराब ना हो। एक चीज का जवाब दीजिए, एक वजह आपके ख्याल में क्या ये भी हो सकती है कि जिस तरह इन्होंने डिलीवर नहीं किया, जितने प्लेजेस किए प्रॉमिसेस किए और डिलीवर नहीं किया, अब ये इस चीज़ से भी तो डर रहे हैं कि लोग कन्फ्रंट कर रहे हैं और आगे से रेजिस्टेंस मिल रही है, ये भी तो एक फेयर फैक्टर है जिसकी वजह से ये दूर हो रहे हैं तमाम चीज़ों से, आपका नहीं ख्याल कि ये भी एक मामला है? देखिए दुश्मन काम कैसे करता है, जब आप कमज़ोर होते हैं, ठीक है ना, और वो आपकी कमज़ोरी को आपके जज्बात को बाकायदा जैसे कहते हैं ना उछालता है जी, तो उसे भी पता था कि ऐसे कोई आके बोलेगा ना कि इस पार्टी ने ये किया उस पार्टी ने ये किया, तो लोग यकीन नहीं करते हैं। अब वो जहां कमजोरी देखेंगे, ठीक है ना, वो उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा दूसरे एंड पे हमारे यहाँ मीडिया जो है ना वो ईमानदारी से अगर काम करे, फला पार्टी का शौक है तो उसको तो इतना बताएंगे और जो पार्टी बेचारी कुछ करना चाह रही उसको दिखाएंगे नहीं, क्या अच्छी बात। तो ये मैं आपको बताऊं एज ए जर्नलिस्ट मैं जब यहाँ बैठता हूँ, इस वक्त मीडिया का किरदार बड़ा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, और मीडिया जो है वो बड़ा बाइस नजर आ रहा है। इस पर मजीद बात कर रहे हैं, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जी अली नासिर साहब ने भी, तद्याकार है जी, इसके अलावा जो है आप उनको निजामत करते हुए एक प्रोग्राम की देखते हैं एक निजी चैनल पर जी इस वक्त, और उनको खुश आमदेद कहते हैं। बहुत शुक्रिया अली नासिर साहब, कैसे हैं आप?
अल्लाह का शुक्र है। अली नासिर साहब, बात हो रही है जी इस वक्त करंट पॉलिटिकल सिनेरियो जो इलेक्शन के जमाने में इमर्ज हो रहा है, ठीक है। बहुत सारी पार्टीज क्लेम कर रही है कि जी हमें जगह नहीं मिल रही है, स्पेस नहीं मिल रहा है, और दूसरी जानेब हम ये देखते हैं कि एक इलेक्शन कमीशन ने जो अपना कोड ऑफ कंडक्ट निकाला और जो उसने नोटिफिकेशन निकाला अपना, जिसके मुताबिक बहुत सारे उसमें क्लॉजेज है कैंपेन के हवाले से, जिसमें अगर 16 क्लॉज के ऊपर जाए तो उसमें स्ट्रेट अवे लिखा हुआ है कि जी बैन है कम्प्लीटली किसी भी काइंस के जो वेपन्स हैं या फायर आर्म्स हैं पब्लिक मीटिंग्स और प्रोसेशंस में। कल जब इमरान खान साहब कराची आए तो उसकी उसमें बहुत सारी उनके प्रोटोकॉल में जो है वो नुमाइश की जा रही थी, और लोग ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के साथ उन्होंने ये चीज़ें रखी हुई हैं, फिर बाकी लोग भी करेंगे, फिर झंडे भी उनके लगाए गए। दूसरी जमात नून लीग की जानब से एलिगेशन आ रहा है कि जी हमारे झंडे उतारे जा रहे हैं और हमें स्पेस नहीं मिल रही। ये जो सिचुएशन इमर्ज हो रही है कितना इससे जो है वो आने वाले दिनों में डैमेज हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन आपको नज़र आ रहा है कि टाइम पर ही होंगे? इलेक्शन तो अभी तक जो दिखाई दे रहा है हालात के मुताबिक तो इलेक्शन तो टाइम पर होंगे, जहां तक कारकर्दगी रही सियासी जमातों की, मैं सनसनी नहीं फैला रहा, क्योंकि ज्यादातर बात तो यही हो रही है कि शायद डिले हो जाएं। मेरे ख्याल चीजें सिस्टम के मुताबिक चल रही हैं, इलेक्शन तो टाइम पर ही हो जाएंगे। जगह तो खैर हमारे सियासतदानों को उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर देनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन चूंकि एक निज़ाम में अब एक आप कहें कि हमें कंटिन्यूटी चाहिए तो इसलिए ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल से सियासतदानों को काफी आवाम को फेस करना पड़ रहा है। और जगह मीडिया पर मिलने का तो सवाल अलहदा है, अभी तो पहले आवाम उनको टाइम दे तो ये बड़ी बात है, क्योंकि आवाम जो है अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि उनमें को बड़ी आगाही आ गई है, लेकिन वो अपनी न्यूसेंस वैल्यू को समझ चुके हैं और इन इलेक्शन के अंदर जो है वो कड़ा एहतसाब करेंगे। अच्छा अली नासिर, यही सवाल आपसे मैं आपके आगे रखना चाहूँगा, वो ये कि क्या हमारे आवाम में वाकई शऊर आ चुका है, क्योंकि अब तक हमें मुज़ाहमत भी नज़र आई है, सोशल मीडिया पे इख्तलाफात भी नज़र आए, तमाम चीज़ें मौजूद हैं, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद कोई तब्दीली आ भी जाए, लेकिन हमेशा से आपको पता है कि पाकिस्तान में लोग अपने सर्कल से बाहर नहीं निकलते, अपनी बिरादरी से, अपनी कास्ट से, अपनी जबान के लोगों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ रहा है। इस सोच को आप समझते हैं कि ये जायल हो जाएगी, इसमें कोई तब्दीली हकीकी मायनों में आ सकती है? नहीं, मैं इसमें आपसे थोड़ा डिसएग्री करूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई तब्दीली कोई पेशरफ्त नहीं हुई जी जी। यहाँ पर मैं आपसे जिक्र करूंगा, दरअसल एक मिसाल से आपको जी जी बताऊंगा ये बात। असल में बात ये होती है जब इश्क छूटता है ना, तो सबसे पहले जो है वो बंदे की उम्मीद बढ़ती है, जिसे पुरउम्मीद पोजीशन में आ जाता है जी। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एहसास होता है कि इश्क छूट गया खत्म, तो उसके बाद फिर एक और कैफियत आती है, उसे कहते हैं नाउमीदी जी जी। नाउमीदी की कैफियत ऐसी होती है कि बंदा जो है वो थोड़ा परेशान हो जाता है कि यार ये सब कुछ जो हुआ उसकी वजह से। और एक थर्ड स्टेज होती है जिसमें इंसान उम्मीद बांधना छोड़ देता है, ये फैसला कर लेता है कि आइंदा भी कभी इश्क नहीं करूंगा। बिल्कुल इसी तरह जो है मेरी तो वो पोजीशन है कि मैं उस लास्ट, जिसे आप समझ लें कि मुझे अब कोई उम्मीद नहीं होती, पर नाउमीदी वाली तो बात ही नहीं ना, लोग अमूमन कह देते हैं नाउमीदी कुफ्र है, तो मैं नाउमीदी की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो उम्मीद बांधने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ मेरी उम्मीद मैंने रखी ही नहीं है कोई। अच्छा, मैंने कोई उम्मीद रखी नहीं है आवाम की तरफ से। मैं आप बता दूं कि शऊर में कोई इजाफा नहीं हुआ, इनका शऊर ये है कि अगर पूरे पाकिस्तान के मसले हल करने तो अपने इलाके में जाकर 20 रुपए का नीम का पौधा लेके फुटपाथ खोद के लगा दो, ये इनका जहन है, ये सोच है। फिर आप मुझे कहते मैं सस्ता आसन निसारूं, इस कौम की विजन ये है मोहम्मद यासिर साहब, वो एक गाड़ी अगर आती है ना सड़कों पे, मैं सुन रहा था तो हजार दरख्त लगाने पड़ते हैं या हजारों दरख्त लगाने पड़ते हैं उसके एक गाड़ी के धुएं को अब्सॉर्ब करने के लिए जो अपने लाइफ टाइम में लगाते हैं जी। ये कौम ना कि मसला इस तरह से हल करे कि गाड़ियों की तादाद कम हो, पोल्यूटिंग टैंकर कम हो, इंडस्ट्री का पोल्यूशन कम हो, तो आप जो शऊर की बात कर रहे हैं कि इलेक्शन में तब्दीली लाएंगे, इनके नजदीक ये है कि शजरकारी मुहिम लगा दो, उसमें सारी आंटियां, सारे कॉलेज के बच्चे, सारे नौजवान, ये सब इस चक्कर में लगे। अच्छा चलें यही रोकते हैं, आपने नौजवानों की बात की है, नौजवानों की बात करती है, मैं वही कह रहा हूँ। नदीम मौलवी भी बैठे हैं हमारे पास। एक चीज बात और बताइए, अभी ये बात ठीक है कि नाउमीदी, और मैं उसको उस चीज को समझ भी रही हूँ कि चीजें किस तरफ जा रही है, क्या कह रहे हैं कि हम बार बार एक्सपेक्ट करते हैं।
क्यों पाकिस्तान के अंदर ये नारा नजर आता है कि जी इलेक्शन नहीं है सिलेक्शन है, क्यों ऐसा अभी तक 70 सालों के बाद भी नहीं नजर आ रहा है कि जी फिजा जो माहौल है वो बड़ा फ्रीडम का है या क्या है? क्यों सियासी जमातें जो है ये एलिगेशन बार बार लगाती हैं कि जी इलेक्शन नहीं होता सिलेक्शन होता है, पाकिस्तान में कौन सिलेक्ट करता है क्या करता है, क्यों ये हम सुनते हैं? और इस तरह की जमहूरियत आज भी क्यों कमज़ोर है? सियासतदानों ने क्यों नहीं 70 सालों में अपने जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है उससे सीखा नहीं है अभी तक? पहले तो मैं मेरे काबिल दोस्त अली नासिर साहब से डिसएग्री करूंगा कि अवाम जो है समझदार नहीं है, अवाम बेहद समझदार हो गई है। अच्छा ठीक है, उस मैं कहता हूँ कि खामोशी को बुजदिली का नाम ना दो, इसमें भी समझदारी है। ठीक है, तो हमारी अवाम अगर खामोश है तो वो बुजदिल नहीं है, अब वो समझदार हो गई है। वरना आपको याद होगा पिछले इलेक्शन में जरा सा ये झंडे का ही मसले के ऊपर तो गोलियां चल जाती थी। हाँ। यहाँ पथराव को क्या किया गया, जूते फेंके गए हैं, पता नहीं क्या क्या हुआ, पर ये हमारे सियासतदान भी समझदार हो गए, अवाम हाँ। भी समझदार हो गए, अब उनमें ये टॉलरेंस आ गया। देखिए टॉलरेंस, अब बात की आती है कि हम इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, कैंपेन्स होंगी, अभी हो सकता है कि जब अदालत का फैसला आए, बहुत सी चीज देखें। इसको कहते हैं कि हमारे, जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा, आग लगाने वाले बहुत होते हैं, आग बुझाने वाले कम होते हैं। ठीक है जी, और हर आदमी चाहता है एक सनसनी खेज खबर लेके आए। बिल्कुल सही। ठीक है, और मुझे इस चीज का वैसे तो मुंह पे तारीफ नहीं करनी चाहिए, वैसे मैं पीठ पीछे भी कहता हूँ, आप लोगों को जैसे रिदा सैफी को मैंने देखा है तमाम जमातों में जाती है और इसी चैनल के ऊपर तमाम ग्रुप्स के लोग आए और जो बात हक की है इन्होंने लड़ा है। ठीक है, ये बात तो मैंने देखा है, आवाम भी देख रही है, कोई चीज ऐसी मैं नहीं है कि किसी को प्लीज करूं, बात सच है। यहाँ पे जी एमकेएम के लोग भी आए, पीपल्स पार्टी के भी आए, नवाज शरीफ के भी आए, तो बात ये है कि आपका जैसे आप लोग कर रहे हैं, मैं गुजारिश ये करूंगा तमाम चैनल वाले तमाम, और ये नहीं कि ये आप बहुत से आप जैसे हैं भी, पर कुछ जो चंद अनासिर हैं जो कि तोहफे ले लेते हैं जी, और वो फिर उनका जब तोहफे लेंगे तो फिर पार्टी वो बन जाते हैं, फिर वो एक वो वकील बन जाते हैं, पार्टी भी नहीं वकील, वकालत करते हैं। वकील जब फीस लेता है ना तोहफे की सूरत में ले लें या कैश की सूरत में, तो वो उस पार्टी की वकालत करता है। हमें वकालत करनी है पाकिस्तान की। आई मस्ट से एक बात में इसी पे मुझे याद आ गई, कल आई वॉज वॉचिंग माई न्यूज़ फीड फेसबुक, तो उसमें मैंने देखा कि एक बहुत अच्छी, मैं फिर बताऊँ, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन एक बहुत अच्छी मोहतरमा मेरी दोस्त है, वो बड़े चैनल में एंकर थी, न्यूज़ एंकर, अब प्रोग्राम भी कर रही हैं। तो वही बात है ना, उन्होंने जिस तरह से पार्टी बन के पीटीआई के बारे में लिखा है मैं बता नहीं सकती। मतलब उन्होंने कहा कि अगर लोग ये कह रहे हैं, इस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं या इस चीज़ के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि जी नून लीग को क्यों गालियां पड़ रही हैं या क्यों स्लैंग लैंग्वेज पीटीआई इस्तेमाल करती है या पीटीआई की गालम गलूच की सियासत क्यों है, जो हम हमेशा से कहते हैं कि इनकी सियासत या तो हुल्लड़बाजी की या गालम गलूच की नज़र आती है बहुत हद तक, और ये हमने देखा भी, सभी सहाफ़ियों ने इस बात को नोट किया है, ये सिर्फ एक या दो ने नहीं किया है, उनको अपनी पार्टी में रिफॉर्म्स आने पड़ेंगे इस वजह से कि अपनी पार्टी को बहुत सारी उनको काउंसलिंग करने की ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि वो इक्तदार में अगर आ भी रहे हैं कमिंग इलेक्शंस के बाद तो फिर बड़ी जिम्मेदारी उनकी और बढ़ जाएगी, तो जो जमात इक्तदार में होती है हुक्मरान जमात की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो उन मोहतरमा ने लिखा कि जी अगर गालम गलूच की सियासत अगर पीटीआई कर रही है या कर रही है तो जी तो चोर को चोर नहीं कहेंगे, डाकू को डाकू नहीं कहेंगे, तो फिर क्या लफ्ज कहेंगे ये? मतलब अगर कहेंगे भी ठीक है तो देर आर सम एथिकल बैरियर्स ऑन स्क्रीन, देर आर सम एथिकल बैरियर्स जहां बैठकर आपको उसको फॉलो करना है। क्या सीएनएन गालियां देना शुरू कर दे, क्या बीबीसी फॉक्स न्यूज गालियां नशर करनी शुरू कर दे? ऐसा तो नहीं है ना, तो देन व्हाई दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट? क्यों पार्टी बन के जो है वो एंकर्स और होस्ट जो है वो, और अच्छा फिर हल्कों के मैं जब प्रोग्राम देख रही थी तो उसमें आप किसको वोट देंगे, अच्छा क्यों नहीं देंगे, अरे देखिए उन्होंने तो काम ही नहीं किया, अरे देखिए उन्होंने तो क्या कर दिया। मतलब आप आगे से वही कि वही जो है ना फेवर और अगेंस्ट कर रहे हैं, आप सिर्फ ये पूछें कि भाई आपने वोट किसको देना है, किस बुनियाद पे दे रहे हैं, दैट्स इट, खत्म हो गई बात। बात आपने बड़ी खूबसूरत की कि जो होस्टिंग कर रहे होते हैं ना हाँ। उनका काम तजियाकार का नहीं होता। यस एग्जैक्टली, यहां तो हमारे एंकर हजरात तो एनालिस्ट हो जाते हैं, तजियाकार हो जाते हैं और वो अपनी राय देना शुरू करते हैं। देखिए आप राय लें अपने गेस्ट की, आप राय लें अवाम की, आप देखें एक बात वही होती है कि इस वक्त मौजूदा जो हालात है, हमें मीडिया को ये काम करना चाहिए कि बोलने की जगह दिखाए,
कहते हैं ना डोंट से यू लव मी शो मी योर लव, तो मोहब्बत दिखाओ हमें। अगर देखे आवाम कोई चीज देखेगी तो उसे समझ में आएगा। एक मैं आपको बताऊं पीटीआई के कल मैं जलसे में गया था एज ए जर्नलिस्ट में, तो बड़ा अच्छा उनके हलके के जो थे उन्होंने कहा, कहने का कि देखें जी अगर आपके जो इलाके में जिन लोगों ने काम किया है तो आप उनको वोट दें, और अगर उन्होंने काम नहीं किया और आप समझते हैं कि हम कर सकते हैं तो हमें दे। तो मैं बड़ा हैरत ज़दा रह गया। आमतौर पे ये होता है ना कि आप उसको बुरा बोले उसको, तो मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया उन साहब को। तो मैंने जब उनसे बातचीत की तो मैंने कहा ये रिवायत आपने जो डाली है तो बड़ी खूबसूरत, क्या चलेगी? क्योंकि यहाँ तो मंजन वही बिकता है ना जिसको आप जज्बाती तौर पर आग लगाए। उन्होंने कहा देखें जी बात यह है कि हम सभी पाकिस्तान को प्यार करते हैं ना, चाहे जितने भी ग्रुप हो, ठीक है? तो अगर कोई और कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि मैं उसे बुरा बोल के उसकी जगह लूं। बिल्कुल ठीक, उसे करने दे, ठीक? क्योंकि अगर आप हकीकत पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, और ये मैं आज आपको बता दूं हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान से मोहब्बत करती हैं, इसलिए तो इलेक्शन में आए, ठीक है? अच्छा अब एक अली नासिर आपसे सवाल ये है कि जिस तरह हमने देखा है कि सोशल मीडिया का भी यहाँ तस्करा हुआ और सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग एक्टिव हैं, खासतौर पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ उन्होंने बड़ी एक्टिवली अपनी कैंपेन जो है वो चलाई है सोशल मीडिया के जरिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हमारी नई जनरेशन है जो सोशल मीडिया पे सुबह शाम जो है वो एक्टिव रहती है, क्या ये ग्राउंड में आके प्रैक्टिकली कुछ करेगी या ये सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक ही महदूद रह जाएगा? इसका जवाब दीजिए। नहीं, सोशल मीडिया पर अगर इलेक्शन हो रहे होते तो फिर सोशल मीडिया पर कार्रवाइयां करने का शायद फायदा ज्यादा रहता जी। हमारे लोग समझते हैं फेसबुक पर अगर पोस्ट पे लाइक ज्यादा आ गई तो इसके माने ये कि मैं सदर बन जाऊंगा। इधर में मुशर्रफ साहब पिछली दफा वापस आ गए थे एयरपोर्ट पे, 3,000 या 4,000 लोगों का ठोके मारता समुन्दर उनका मुंतजर था, तो उनको फिर अंदाजा हुआ कि फेसबुक लाइक के माने ये नहीं है कि ये लोग मुझे सदर बनाना चाहते हैं। दूसरी बात, यहाँ तक आपने हमारी यूथ की बात की, हमारे यूथ हो या हमारी कोई और मतलब आप एज कैटेगरी ले लें या डेमोग्राफी को, अफसोस के साथ इनका सोशल मीडिया के ऊपर बस लगाव जो है वो एक हद तक है। आप मुझे बताएं जस्टिस फॉर शाहदेव का क्या बना जी? अच्छा ये मुझे बताएं जस्टिस फॉर जैनब का क्या बना, जस्टिस फॉर खदीजा का क्या बना? हाँ, ये बता दें। नहीं वो तो खैर आप उससे वाकिफ हैं कि क्या बना क्या नहीं बना, आपको वाकिफ होंगी, वो तो रिसेंट है ना। मैं आपको वो बता रहा हूँ माजी की थोड़ी बात बता रहा हूँ। क्या किसी ने चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में बात? खूब डिस्को डांस हुआ सोशल मीडिया के ऊपर, सबने अपनी डीपियां बदल ली, किसी ने रोने डाले, लोगों ने आके आंसू बहाए, तस्वे कुछ लोगों ने जनाब अपने वो क्या कहते हैं उसे क्रोकोडाइल टीयर्स बहाए। क्या आज किसी को याद है? क्या कोई इस मुतालिक बात करना चाह रहा है कोई? मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, टीवी के ऊपर अमूमन दिखाया जाता है कि हमारे कितने जो हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और पाकिस्तान आर्मी के और आर्मी फोर्सेस के लोग शहीद हो जाते हैं। क्या कोई कभी उनके घर जाकर उनसे पूछता है कि आप किन हालात में हैं? क्या कभी कोई जाकर कभी उनको कभी खाना पूछता है आप किस हालात में हैं? अरे भाई ये सिर्फ नाच गाने करने के लिए, तमाशे करने के लिए, हाइप क्रिएट करने के लिए, डिस्को डांडिया करने के लिए सोशल मीडिया। अच्छा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अली नासिर भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगी ये बताएं ना, 18 साल की उम्र में अभी हमारी बहुत ह्यूज पॉपुलेशन का रेशो है, ठीक है? और इस वक्त ये लोग बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा चंक है 18 साल वाली उम्र का जो कि इस दफा इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और वोट डालेंगे। अब भी बताएं, डू यू रियली थिंक कि ये लोग जो 18 साल की उम्र वाले लोग हैं वो बाहर निकल के वोट कास्ट करेंगे, और अगर वोट कास्ट करेंगे तो उनका क्या जहन नजर आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है? देखिए वो वोट कास्ट करेंगे लेकिन सोशल मीडिया के बाहर निकल कर। दूसरी बात ये है कि मैं यूथ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दोबारा से आपको हाईलाइट कर दूं। हाँ। आप दोनों बैठे हैं, मीडिया की मारूफ शख्सियात हैं, साथ में नदीम मौलवी साहब भी हैं। देखें बात किया, हमारे मुल्क में नशा आम हो गया। आप कहेंगे कैसी बातें कर रहा हूँ, इससे इलेक्शन का पूछ रहे हैं, क्या बात कर रहा है? लेकिन बात यह, ये टाइम पूरे पाकिस्तान के अंदर इस इशू को हाईलाइट किया जाए। हमारी मैं आप बताऊँ नौजवान नस्ल चरसी हो गई है, हशीश में लग गई है, तरह तरह के नशे कर रही है। मुझे यूथ कम मिलती है, यूथ की एक बहुत बड़ी परसेंटेज हमारे यहाँ किसी ना किसी नशे या एडिक्शन में पड़ती है। इस मसले के हल के लिए जल्द से जल्द कुछ किया जाए। डिप्रेशन का शिकार है, डिसिल्यूजनमेंट का शिकार है। मैं आप बताऊं, मैंने बड़ी इस पर रिसर्च और इवेल्युएशन की है। हमारे मुल्क के अंदर वो इंडिया में एक फिल्म बनी थी उड़दा पंजाब, हमारे यहाँ भी इस तरह का जो है ना फिल्म बननी चाहिए उड़दा पंजाब,
जिसमें आपको पता लगे कि यूथ पंजाब की जो है, क्योंकि हम तो कराची शहर में और कराची की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं कराची शहर के अंदर तरह तरह के नशे चल रहे हैं। यूथ क्या, उधेड़ उम्र क्या, हर बंदा नशे में लगा हुआ है जी। ये जो छोटे छोटे पैकेट आपने देखा होगा, लोगों ने उसका जो मवाद होता है मुंह में फंसाया हुआ होता है, मुस्तकिल उसके साथ ही बातें बातें कर रहे होते हैं, गुफ्तगू शनीद भी चल रही होती है, ये सब मैं आप बता रहा हूँ, ये बहुत मेजर इशू है। अब एक शख्स जो हो, जो ऐसी कैफियत के अंदर हो कि वो अपने ऊंचे आवास में ना हो, तो वो कौन सा वोट डालेगा? आपको मेरी बात शायद मुजैका खेज लग रही हो, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल रियलिटी बात कर रहा हूँ। यासिफ साहब भी शायद इसकी तायद करते हैं इस बात को, इतना मेजर प्रॉब्लम है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस्लामाबाद में उन्होंने अपनी तरफ से सर्वे किया, मैंने सुना है, और आपको पता होगा कितनी बड़ी परसेंटेज तालीमी इदारों के बच्चों की निकली जो कि चरस और इस तरह की चीजों नशे में लगे। और भी आपको पता है तरह तरह की अद्वियात हम बनाते हैं जिसको सुकून आवर के नाम पे हम लोग मार्केट में बेचते हैं। अच्छा अली नासिर, ये क्योंकि एक बड़ा तवील टॉपिक है, बहुत आप समझ लें कि इसके ऊपर बात करने की जरूरत है, आप हम सब इसके ऊपर बात करते आए हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर और इसके ऊपर जरूर गुफ्तगू करेंगे। जी जी अली भाई, वक्त थोड़ा सा महदूद है अब, ठीक है, तो अब नदी मौलवी साहब की तरफ चलेंगे। आपसे भी यही एंड में मैं सवाल करूंगी कि 18 साल की उम्र के, उन्होंने तो बताया एक फैक्टर जिसके ऊपर उन्होंने निशानदेही कर दी कि 18 साल की उम्र वाले लोगों का इस वक्त बहुत बड़ा चंक है और उनका बड़ा किरदार हो सकता है इलेक्शन में, लेकिन जिस तरह से निशानदेही की उन्होंने, इतने खतरनाक पहलू की, आप क्या कहेंगे? देखिये, मुझे हमेशा से अपनी यूथ पे बड़ा भरोसा है और अब वो जो हमारी यूथ है ना, वो पहले की यूथ नहीं रही है। बिल्कुल सही। अब अगर वो फेसबुक पे लिखती है ना, तो सामने भी आती है। आपने देखा होगा एक छोटे सा इशू जो होता है, वो आज बड़े बड़े चैनल्स क्यों लेके आ रहे होते हैं, वो चलता आपके मीडिया से, सोशल मीडिया से आता बड़े चैनलों में और फिर सियासी लोग उसको ऊपर बाकायदा काम कर रहे हो। बिल्कुल सही। जो सबसे अहम बात जो मैं ये आप लोगों को पहुंचाना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं मुख्तलिफ सियासी लोगों से मिला हूं, दो तीन मैंने देखे नोट किए हैं, कुछ सियासी लोग मैंने देखा है क्या क्या चीजें किस तरह से इस्तेमाल करें, मैं आपके नाजरीन के लिए पेश करता हूँ। एक साहब के पास मैं गया तो उन्होंने, सियासी लीडर थे, उनके पास एक साहब आए, सर मेरे पास पीछे 200 आदमी हैं, मेरा जरा ख्याल करना वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं साहब, तूने नाराज नहीं होना, तेरे पीछे तो 200 आदमी हैं। एक और साहिबा के यहाँ कुछ लोग जमा हुए, जी मैं मस्जिद का पेशे इमाम हूँ, मेरा आपने मौलवी साहब आपका तो मैंने ख्याल रखना ही है। वो मौलवी साहब को भी कहा गया कि मैं आपका भी ख्याल रखूंगा। अब ये देखें, ये सियासी जो तरीकेकार हो रहे होते। अब मैं इसलिए आपके प्रोग्राम से बच्चों को ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोग घुसे हुए हैं और बाखुदा मैंने अपने इन दो गुनाहगार आंखों से और कानों से सुना है, कोई ऐसी बात नहीं है कि कहा, मैंने खुद ने देखा है और मुख्तलिफ पार्टी से। तो मैंने ये कहा है कि अगर वो साहब मस्जिद में बैठ के अपनी वकालत करेंगे किसी की, अल्लाह माफी दे, या वो साहब जो 200 लोगों को पता नहीं किस तरह से दिल जीत के आए, ये हर एक ने एक कारोबार एक धंधा बना लिया जी। दूसरी बात ये कि खुदारा वो चिंगारी को हवा ना दे, हमारे को ये काम करना है कि मोहब्बत के साथ, अक्ल व शऊर के साथ सियासत करनी है और अवाम और जवानों को मैं कहता हूं कि अकल से काम लो, जज्बात से नहीं, क्योंकि जज्बात ही इंसान को बुराई की तरफ ले जाते हैं। होश और हवास ही में कहते हैं इबादत भी करनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम मौलवी साहब आपका भी और अली नासिर साहब आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। और बात हुई आज जी पॉलिटिकल सारे जो सिनेरियो है, खास तौर पर इलेक्शन क्योंकि करीब है, उसकी सरगर्मियां उरूज पर हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस पर हमने बात किया। अब अभी अच्छा एक चीज का और तस्करा कर दूं जरा, कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसके ऊपर और मजीद गुफ्तगू हो सकती थी, लेकिन क्योंकि वक्त हमारे पास महदूद होता है और आपकी यकीनन कॉल्स भी आ रही होंगी, उनको भी महदूद करना पड़ा। इस मौजू के ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हमने करनी है और हम हमेशा अपने प्रोग्राम्स में ये बात करते रहते हैं और इसको दोहराते रहते हैं कि यूथ की जो डायरेक्शन है वो सेट होनी चाहिए। नदी मौलवी साहब की एक राय है, उसे बिल्कुल हम उसको समझते हैं, उसका एहतराम करते हैं। बिल्कुल सही है कि यूथ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा, और आखिरी बात जो आपने खास तौर पर कही है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुनहगार ने खुद इन तमाम चीज़ों को विटनेस किया है कि जिस तरह इस वक्त मामलात हो रहे हैं और इसकी निशानदेही भी कर चुके हैं कि ये जो सियासी नुमाइंदे हैं इस वक्त हम देख रहे हैं कि लोगों की जो निजी महफिलें उनके अंदर भी अब शिरकत शुरू कर दी है, उनसे इंटरेक्शन भी बढ़ा दिया है, कोई साइकिल मोटर के ऊपर घूम रहा है गाड़ी से उतर के, तो ये सारे मामला चल रहा है। तो बहरहाल इस मौजू के ऊपर इंशाल्लाह गुफ्तगू हमारी रहेगी और इसके अलावा जो दीगर खबरें हैं उसके हवाले से 50-50 गाड़ियों के प्रोटोकॉल से नहीं उतरते वो आजकल मोटरसाइकिल। तो वेल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची।
एग्जैक्टली. गुड मॉर्निंग कराची, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. एक बताओ फिर आपको वेलकम बैक कहते हैं जी. और आप सब कैसे ठीक हैं, खुश हो बख़ैर हो आप? या तो जी इस वक्त आपको पता है सेगमेंट हमारा होता है, यहाँ पर हम बात करते हैं जी. हमारे साथ पॉलिटिकल मेहमान हमारे मौजूद होते हैं. इस वक्त अभी हमें ज्वाइन कर लिया पीपल्स पार्टी से सेंटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, उन्होंने खुश आमदीद कहते हैं. बहुत शुक्रिया सेंटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं जी. और टेलीफोनिक लाइन पर हमें ज्वाइन किया है शेख जावेद मीर साहब ने, PMLN से उनका ताल्लुक है, उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं. अच्छा ठीक है जी, चले रब्ता मुनकता हो गया है, जैसे ही रब्ता होता है उनको भी हम लेते हैं. PMLN से होंगे वो हमारे साथ मौजूद. सबसे पहले तो मैं चूंकि सेंटर करीम ख्वाजा साहब इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करूँगी और आगाज़ करूँगी. जिस तरह से हम देख रहे हैं अब बहुत सारे सियासतदान जो हैं और सियासी रहनुमा कह लें हम, अगर अपने अपने हल्कों में जाओ जा रहे हैं और बहुत सारों को अप्रिसिएशन मिल रही है, बहुत जगह पर कन्फ्रंटेशन की भी नज़र आ रही है सूरत हाल. क्या लगता है आपको कि आवाम क्या शऊर आ गया है, बेदार हो गई है, समझ रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना? सबसे पहले तो आपके जवाब से पहले ये मैं कहूँगा कि 5 जुलाई है. 5 जुलाई बिल्कुल आज पाकिस्तान का सियाह तरीन दिन है बहुत लिहाज से. एक तो ये कि एक जमहूरी हुकूमत थी शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की, उसको ओवर थ्रो किया गया. भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर भी थे और इस्लामी कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन भी थे जी. और उसके बाद भुट्टो साहब से क्या कुछ नहीं हुआ वो तारीख है. अच्छा उसके बाद जो पाकिस्तान से क्या कुछ हुआ, जिसमें हीरोइंग आई, उसमें कलेशनकोफ आया जी, जिसमें हेट्रेड आई, उसमें एथनिक और लिंगुअल बुनियाद पर तकसीम हुई जी. जो कि अभी तक भुगत रहे, वो बाय प्रोडक्ट थी उसकी बिल्कुल. आपने तो आज सियातरीन दिन है. और जो पाकिस्तानी नेशनलिज्म, जब मैं मुल्क से बाहर गया बहुत साल पुरानी की बात है, तो पहले यहाँ डिस्कशन होता था मैं नहीं समझता था. जब मैं बाहर गया मुल्क से तो मैंने देखा कि इंडियन नेशनलिज्म बड़ी स्ट्रॉन्ग है जी जी, पाकिस्तानी नेशनलिज्म स्ट्रांग नहीं है. वो हमने बाहर जाकर फील की बात. तो वो पाकिस्तानी नेशनलिज्म नहीं डेवलप होने की रीज़न ये जो शबो खून और जीपों पर चढ़कर जी जी लोग आते हैं और ओवर थ्रो करते हैं और 10-10 साल हुकूमत करते हैं जी. और उसके बाद जो है उनकी कोई शर्म भी नहीं आती है, तबाह बर्बाद, फाइनेंशियली करप्शन, और वो उन पर कोई पूछने वाला नहीं है जनरलों से जी. और जो जज साहबान जिन्होंने इंडोर्स किया था जी, जी. तो वो खुद एक उसको आप क्या कहें जी, अनटचेबल्स हैं. मतलब वो तो अनटचेबल्स हो गए कि उन्होंने पीसीओ पे ओथ ले लिया, हाथ साफ की और उसके बाद जनरल्स जो खास तौर पर सकूत डाका हुआ उस जमाने में जो बंगाल के लोगों से जो उस वक्त पाकिस्तानी थे और तो और वहाँ की पॉपुलेशन पर जो शबो खून मार कर कत्लेआम किया गया उसके बारे में भी तो होना चाहिए. न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यहाँ से जो जिसमें कदीर खान गया वो अकेला तो नहीं होगा, उस पर भी तहकीकात होनी चाहिए. तो मतलब ये है कि ये मिजरीज जो पाकिस्तान की अयूब खान ने स्टार्ट की, ये मिजरीज जियाउल्लाह ने शुरू की और तबाह कंटिन्यू किया और परवेज मुशर्रफ वो लेगेसी कंटिन्यू रही. तो उसमें बर्बादी पाकिस्तान की हुई या डेमोक्रेटिक कल्चर डेवलप नहीं हुआ या नफरतें हुई और इसी तरह की सोच अभी भी है जो पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ. अच्छा एक चीज़ का और मैं एक सवाल मैं रखना चाहूँगा आपके सामने, वो ये कि जैसे अभी मैंने पिछले दिनों प्रोग्राम में तस्करा ये किया कि ये तीसरी मरतबा है कि जिस वक्त एक जमहूरी हुकूमत जो है अपना टेन्यूर मुकम्मल कर मुंतखब होने के लिए जा रही है, तो कुछ लोग इसके ऊपर इख्तलाफ करते हैं, वो कहते हैं जनाब परवेज़ मुशर्रफ का दौर भी तो उसमें शामिल होता है. क्या आपकी ज़ाती राय, आप समझते हैं कि वो जो इंतखाबात परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में हुए थे वो प्योरली डेमोक्रेटिक थे, उनको जमहूरी इंतखाबात कहा जा सकता है? देखिए इलेक्शंस 85 में भी हुए थे, ज़ियाउल्लाह ने कराए थे, नॉन पोलिटिकल असम्बली आई थी, ये भी इन्होंने जो कराए थे, आई वॉश था, असल पावर उसकी वर्दी थी जी, और उसने सबो खून मारा पाकिस्तान के लोगों के हकूक पर और बेशरम किस्म का शख्स था और भाग गया मुल्क से यहाँ कत्लेआम करवा कर लोगों के, जिसमें शहीद बेनज़ीर भी है, अकबर भुट्टी भी है और दीगर लोग भी हैं. तो मेरे ख्याल से वो रबर स्टैम्प असेंबली थी जी जी जी, और यही टर्म इस्तेमाल होती है उसके लिए, और उसमें वो लोग शामिल थे जिन्होंने 17 अमेंडमेंट
وردی کے ساتھ صدر اس کو قبول کیا جی. مولانا فضل الرحمان صاحب شامل تھے جس نے کل رات بولا کہ میں اس سے عمران خان سے بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. واہ واہ, گنجائش موجود ہے. بولا ہے جو حکومت میں آنے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ کر رہے ہوتے ہیں نا. جاوید میرشا صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے, انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ جاوید میرشا صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جاوید میرشا صاحب, کل آپ نے ایک نشاندہی کی ایک ایشو کے اوپر, اور بالکل ویریفائی بھی بنتا ہے, نوٹیفیکیشن میں موجود بھی ہے کیمپین کے حوالے سے کلاز نمبر 16 کے اوپر جو آپ بات کر رہے تھے, اور وہ ہمارے پاس فوٹیج بھی موجود ہے. میں چاہوں گی اس کو بھی اگر سے لائے تو یہ آپ بتائیں کہ اگر یہ جو آپ لوگ کے ساتھ چیزیں ہو رہی ہیں مزید, تو کیا سمجھ رہے ہیں آگے پھر حالات کیسے اور جا سکتے ہیں؟ خاص طور پہ کل آپ کی پارٹی کا اب ایک بہت اہم فیصلہ بھی متوقع ہے, تو کیا اس کے بعد بھی کچھ بڑا اپسیٹ یا کوئی تبدیلی دیکھنے کو ملے گی, یا پھر آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں, ہماری صرف ایک ہی ڈیمانڈ رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ لیول پلینگ فیلڈ دیں سارے کینڈیڈیٹس کو اور ساری پارٹیز کو. جی ٹھیک ہے. جو ہم دیکھ رہے ہیں کراچی میں خصوصاً کہ مسلم لیگ نون کے جہاں بھی کینوسنگ ہے, مٹیریل ہے, فلیگز ہیں, بینرز ہیں, وہ زیادہ ریمو کیے گئے ہیں, جبکہ جو ہم نے آپ کو فوٹیج بھیجی ہیں اور وہ کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پارٹی کو جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی پیٹرنائز کیا جا رہا ہے. تو یہ کل ایک پریس کانفرنس رانا بشیر صاحب نے کی تھی, اس میں بھی یہ ساری باتیں ہائی لائٹ کی ہیں, اور ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ الیکشن کب طرف سے کیا جو ہے رد عمل آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہی سوال آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر کہ جو ردا نے بھی یہ سوال رکھا کہ اس کا دوسرا حصہ ہے جس میں کل کا جو متوقع فیصلہ ہے اس کے حوالے سے کیا انٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اس میں کیا آپ کے خیال میں جیسے میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر دیا جائے, کیا ممکنات میں شامل ہے, کیا کسی قسم کی ایگزمپشن آپ انٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ یہ پاکستان میں بہت سارے مقدمات چل رہے ہیں, اور کوئی ایسا ہے, یہ پہلا ایک مقدمہ ہے جو ہم نے دیکھا ہے کہ جس کی ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگز ہوئی ہیں, اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے وہ اس نے 100 سے زیادہ ہیئرنگز اٹینڈ کیے ہیں. جی جی. تو یہ بھی ایک ہسٹری قائم ہوئی ہے. بالکل بالکل. اب جو حالات ہیں بیگم نواز صاحبہ کی جو طبیعت ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ ایک ریکویسٹ کی گئی ہے, اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر کچھ دنوں کے لیے موخر کر دیا جائے, اس میں فیصلہ یہ ایسے ہوتا رہتا ہے. آپ ڈیٹ کورٹ پہ جا کے دیکھیں, 10-10 سالوں سے کیسز پینڈنگ ہیں, جس یہ کورٹ میں کیس چل رہا ہے یہاں پہ عمران خان کے کیسز بھی ہیں, یہاں پہ دوسرے لوگوں کی کیسز بھی چل رہے ہیں, تو وہ کوئی بھی ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگ نہیں ہوئی ہے. اچھا میر صاحب, ایک چیز کا اور تذکرہ کیجیے گا, ذرا بینگ اے لائر میں جاننا چاہتا ہوں کہ اب تک کی جو پروسیڈنگ رہی ہیں ٹرائل کے حوالے سے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا فری اور فیئر ٹرائل ہوا ہے؟ کیونکہ کورٹ کے فیصلے کے بعد اس کو مزید فلٹر کیا گیا اور نیب کے پاس بھیجا گیا, اور تھرو نیب کے جو ہے وہ ایک لمبے پروسیس کے بعد اب فیصلہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے, تو کیا یہ جو پروسیڈنگ رہی ہیں اس سے بینگ اے لائر آپ مطمئن نظر آتے ہیں؟ دیکھیں, اس کے دو اسپیکٹ ہیں. جی. ایک تو یہ ہوا کہ یہ کیس کے فیصلے آنے سے پہلے سزا تو ہو چکی ہے. جی جی. نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. جی. یہ بھی آج تک اس ملک کی ہسٹری میں نہیں ہوا, بٹ بہرحال یہ کیس چلتا رہا, اور اب جو ہے فیصلہ تو جو ہے 25 جولائی کو ہوگا جو عوام کرے گی, تو اب ہمیں وہ عوام کے فیصلے کا انتظار ہونا چاہیے. اچھا نہیں, فیصلہ تو ٹرینڈ تو سیٹ کر دیا تھا نا گیلانی صاحب کو گھر بھیج کے, ٹرینڈ تو سیٹ ہو گیا تھا نا, کیس کو تو پرسوں مسلم لیگ نون نے کیا تھا نا, اس میں بھی میمو گیٹ کے اور یہ جو سوئس عدالتوں کو خط لکھنے والے معاملے پہ کنٹیم جس کے اوپر لگی تھی گیلانی صاحب پہ, ٹرینڈ تو سیٹ آلریڈی ہو گیا تھا. ٹرینڈ سیٹ ہوا تھا وہ, اس میں اس کو کنوکشن ہوئی تھی گیلانی صاحب کو, وہ سٹل رائزنگ آف دا کورٹ تھی, جی, اور اس کنوکشن کے اوپر ان کو ڈسکوالیفائی کیا تھا, سزا تو کورٹ نے اسی دن دے دی تھی. اس کیس میں جو ہے سزا یا بری کا بھی فیصلہ ہونا ہے, بٹ ڈسکوالیفیکیشن پہلے ہو گئی, گیلانی صاحب کنوکس ہو گئے تھے جی کنٹیمپٹ آف کورٹ میں, تبھی ڈسکوالیفائی ہوئے. جی جی. مگر یہ معاملہ بہت الگ ہے, جب ابھی سزا ہوئی نہیں ہے ڈسکوالیفیکیشن پہلے ہو گئی ہے. جی. اچھا ایک چیز اور بتائیے گا جاوید میرشا صاحب, یہ بتائیں کہ اگر کل کوئی اپسیٹ ہو جاتا ہے, فیصلہ جو ہے وہ اگینسٹ میں آ جاتا ہے مریم نواز صاحبہ کا, خاص طور پہ اس وقت انہیں کے معاملے پہ سب کی نگاہ ٹکی ہوئی ہے کیونکہ وہ NA 125 کی کینڈیڈیٹ بھی ہیں, تو پھر اس کے بعد آپ لوگ کیا فیصلہ کریں گے,
who will gonna be replace her aur phir kis tarah se mamlaat honge, kyunki agar ye faisla kal unke khilaf aa jata hai, unko saza ho jati hai, kyunki unhone ek taraf ye bhi kaha hai ki main jail jane ke liye bhi razi hu, dusri taraf Mian Nawaz Sharif sahab keh rahe hain ki isko mokhar kiya jaye. So what do you people are thinking right now ki aap logo ka next move kya hoga phir uske baad? हम तो समझते हैं कि जो फैसला होगा वो इंसाफ इसमें होगा इंशाल्लाह, और ये फैसला मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहब के हक में होगा. बट बहरहाल अगर जो भी फैसला अगर आप समझेंगे कि उसमें उसको चैलेंज करने की जरूरत है तो वो चैलेंज भी होगा, उसकी अपील फाइल की जाएगी और लीगल टीम इस पर काम कर रही है इस वक्त और मशावरा जारी है. अच्छा ठीक है, तो इसको भी आप चैलेंज करेंगे फैसले को, ये भी एंटिसिपेटेड है. अच्छा दूसरी तरफ ये कि आप शहबाज शरीफ साहब जो है वो इंडिकेशन उन्होंने दे दी है कि कम वोट में अगर फैसला हक में आता है अगेंस्ट आता है लेकिन इलेक्शन में जाएंगे और कंटेस्ट करेंगे, क्या मियां नवाज शरीफ इस फैसले से आपके अग्री करेंगे, क्या इसके ऊपर पार्टी के अंदर कंसेंसस हैं? बिल्कुल, इलेक्शन में हम जाएंगे, इलेक्शन में कोई हमें करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि फौरन ये इलेक्शन किया जाए. तो ये बायकॉट की अफवाहें क्यों आ रही हैं फिर, सुनाई दे रही कि मुस्लिम लीग नून बायकॉट की तरफ जाना चाह रही है, बायकॉट की तरफ जा सकती है? मुस्लिम लीग नून के किसी भी लीडर की तरफ से बात नहीं है, ये कोई हमारे जो अपोनेंट है उनकी तरफ से प्रोपेगेंडा है, क्योंकि वो अब भागना चाहते हैं, वो देख रहे हैं कि कितनी मकबूल है PMLN, पब्लिक में किस तरह तजराई मिल रही है PMLN को, और खासकर कराची में जिन लोगों ने डिलीवर नहीं किया, अब जब वो जा रहे हैं वोट मांगने इलाकों में तो उनके साथ क्या असर हो रहा है, और हम जाते हैं तो लोग तो हमें गले लगाते हैं, प्यार करते हैं, बिठाते हैं, फूल पहनाते हैं, तो बड़ा फर्क है, वो तो फर्क साफ नजर आ रहा है. नहीं लेकिन पंजाब के अंदर तो सूरत हाल मुख्तलिफ है, पंजाब के अंदर तो इस वक्त जो अपने पार्टी के जो लोग थे वो जीप के अंदर जो है वो सवार हो रहे हैं, तो ये सिलसिला भी तो जारी है, ये भी तो अभी तक नहीं रुक सका है. वो जीप का भी जो है ना वो टर्न हो जाएगी और वो सही रास्ते पे आई जाएगी जल्दी. अच्छा आप हमारे साथ लाइन पर ही रहे, मैं सेंटर डॉक्टर करीम फाजिल साहब आपकी जानिब आऊंगी. मेरा आपसे सवाल था जो मैंने कहा कि लोग अब हलकों में जा रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोगों को कन्फ्रंटेशन का भी सामना है, कुछ लोगों को अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, तो क्या आवाम इस बुनियाद पे हम ये समझ रहे हैं कि इन इलेक्शन में शऊर आ गया है, बाशऊर हो गई, समझदार हो गई है अपने फैसले करने के लिए? देखिए शऊर तो आवाम में शुरू से है, और ये एक नवा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि अलिफ बे जीम की वजह से शऊर आए, शऊर तो अब पॉलिटिकल शऊर है, या लोगों ने स्ट्रगल्स की है, जेलों में गए हैं, बिल्कुल, और मैं खुद जेल में गया हूँ पॉलिटिकल बुनियाद पर, MRD की मूवमेंट में, तो उसके बाद भी हम पॉलिटिकली जेल, मतलब हजारों लाखों लोग पाकिस्तान के लोग जेलों में गए हैं, और वो एक महीना एक दिन के लिए नहीं, 5-5 साल 10-10 साल जेलों में गुजारे हैं, तो पॉलिटिकल मेच्योरिटी है. अब ये जो हमारे नौजवान एंकर पर्सन है वो कहते हैं कि बड़ा शऊर आया है, अब ये डीपॉलिटिकलाइज सारा माशरा हो रहा है जी, जी. और उसमें डीपॉलिटिकलाइजेशन ऑफ माशरे में जिसमें पॉलिटिकल पॉलिटिकल प्रोसेस से पॉलिटिकल लोगों से हेट्रेड जो की जा रही है, अच्छी बात है जो पूछा जा रहा है, राइट है, क्योंकि वोट के लिए कोई जाता है और 5 साल काम नहीं करता है, अगर करता भी है तो पूछने का हर आदमी को राइट है, किसी जनरल से तो जाकर पूछे कि ये मुल्क क्यों टूटा, ये है किसी में जरूरत? अच्छा, उसके बाद किसी जज से तो पूछे जाकर कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं और इससे क्या माशरे में असरात होंगे, किसी में जरूरत? लेकिन हमारे यहाँ तो अब देखे ना, एक मसला भी यही है कि जज को उठाकर फिर आप केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी लगा देते हैं, इसके ऊपर भी बात करते हैं. अच्छा जी, अच्छा एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, गुफ्तगू को जारी रखेंगे. इस वक्त हमारे साथ जावेद मीर शेख साहब भी लाइन पर मौजूद हैं, सेनेटर करीम ख्वाजा साहब भी मौजूद हैं, और उनसे गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी. एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची. जी एक मतलब फिर गुड मॉर्निंग कराची, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, और जी गुफ्तगू हो रही है सियासत के ऊपर. इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, और टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद हैं जावेद मीर शेख साहब, उनका ताल्लुक PMLN से है. जी आप दोनों मेहमानों को एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं. गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मैं आपसे जानना चाह रही थी इस हवाले से कि अब जिस तरह से ये सारी सियासी जमातें जब बहम बात करती हैं कि
देखें बहुत सारे लोगों के ये तहफ़ात होते हैं, हमेशा से ये हम आवाज़ें सुन रहे होते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब भी इलेक्शन आता है और जब भी इलेक्शन का सीज़न होता है तो ये नारा बार बार लाया जाता है कि इलेक्शन ही सिलेक्शन है, इलेक्शन ही सिलेक्शन है। तो ये क्यों आज तक हमारी जमहूरियत इतनी मजबूत नहीं हुई, हमारे सियासतदानों ने क्यों नहीं 70 सालों में अब तक सीखा कि अभी भी उनको खुद अपने आप को इलेक्ट करा सके, ना कि उनकी सिलेक्शन हो सके कहीं से। ये तो अब इलेक्शन चुराया जाता है, इलेक्शन मैनिपुलेट होता है, इलेक्शन इंजीनियर्ड होता है, इलेक्शन के लिए माहौल ऐसा बनाया जाता है, हवाएं ऐसी चलती हैं कि पता चल जाए कौन आ रहा है। तो ये तो इत्तेफाक से इसलिए हो रहा है, उसके बहुत से रीजंस में से एक रीज़न ये कि कंटिन्यूटी नहीं है डेमोक्रेसी की। कायदेजम का 1 साल के बाद इंतकाल हो गया, माजरत के साथ लियाकत अली खान ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सका, उसको 4-5 साल मिले थे जी। उसके शहादत तक उसने नहीं किया उसको ट्रांसफॉर्म। हिस्ट्री तो अब बात करेगी ना जी, जी। इसमें डस्ट सेटल होती है तो बात होती है, बिल्कुल सही। उसके बाद जो है जो भी लोग आए वो सब ब्यूरोक्रेट, सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स आए, तो उन्होंने जो है पाकिस्तान को इस हवाले से चलाया। तो एक कल्चर डेवलप नहीं हुआ जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज ग्रूम नहीं हुई है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंजीनियर करके तोड़ा जाता है और नई पार्टीज़ बनाई जाती हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज़ जब बनती है एज ए इंस्टीट्यूशंस, मसलन आप ये देखें ना कि मुस्लिम लीग जो बनी जिना साहब वाली जी, तो वो कोई हादसा के तौर पर बनी हिस्टोरिकली, जबकि कांग्रेस ने, कांग्रेस की हिस्ट्री 90 ईयर्स है, कायदेजम भी कांग्रेस में थे और उसके बाद जब उसकी कार्डर जेलों में गया था, और आप समझे कि उस ज़माने में ब्रिटिश इंडिया में ICSS जो ऑफिसर्स होते थे सुभाष चंद्र बोस जैसे, वो उन्होंने छोड़कर कांग्रेस में आए थे और उन्होंने बड़ा नाम कमाया। तो कहने का मतलब है कि जब पार्टीशन हुआ तो ये बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के एक पार्टी थी, जबकि ये मुस्लिम लीग रातों रात बनी थी, बिल्कुल सही, और उसमें मेजोरिटी भी वहाँ पर थी, यहाँ पर नहीं थी, और इनकी कोई स्ट्रगल नहीं थी जी, मुस्लिम लीग की कोई स्ट्रगल नहीं थी, ऐसी बनी थी। और हिस्टोरिकली बहुत कुछ है, हम जो है ऑन एयर कह नहीं सकते जी। तो पाकिस्तान भी इस तरह चला और फिर यहाँ डेमोक्रेटिक एक चीज़ें डेवलप नहीं हुई। जब पार्टी इंस्टीट्यूशंस बन जाती हैं तो वो हेरिडिटी इन्फ्लुएंस से और दूसरे इन्फ्लुएंस से निकल जाती है। तो अब बदकिस्मती अब हम यही कहेंगे कि जब 14 साल तक वो जो ट्री के नीचे बैठा था बुद्धा, तो उसने ज्ञान आया कि भाई ये ज्ञान मेरे जैसे एक पॉलिटिकल वर्कर को, मैं ये समझता हूँ और यहाँ के लोग ये समझते हैं कि यहाँ डेमोक्रेसी चले और इलेक्शंस हो और उसके साथ एक ट्रेडिशन डेवलप हो जाएगा। ठीक, मगर ये कि इट विल टेक सम टाइम। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त दरकार है तमाम चीज़ों को, और ये जब चीज़ें मेच्योर होंगी तो फिर आपको ये ज़्यादा प्रोडक्टिव नज़र आना शुरू होंगी, और एक सिस्टम जब 10, 15, 20 साल या 30 साल कोई अगर चलता है तो फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि वो रिज़ल्ट जो वो प्रोड्यूस करना शुरू कर जाता है। अच्छा जी, शेख साहब भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, जावेद मीर शेख साहब, और उनसे भी हमारी बात हो रही है, तो यही बात उनके सामने भी रखेंगे। मीर साहब, आप हमें सुन सकते हैं? अच्छा मीर साहब, एक ज़रा सवाल आपके लिए, वो ये है कि इस वक्त जिस तरह के अलायंसेस बन रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट तो बहुत सारे अलायंसेस पास्ट में बने हैं और उनका नुकसान तो इतना नहीं हुआ, लेकिन ये अब सवाल आपके आगे है कि क्योंकि जिस तरह के अलायंसेस आपके अगेंस्ट पंजाब में ख़ास तौर पर बन रहे हैं और आपके ही लोग बना रहे हैं, उससे आपको कितना डैमेज हो सकता है, क्या वो डेंट कर सकता है वोट बैंक को मुस्लिम लीग नून के? जितने भी अलायंस बन रहे हैं और अगर आप सर्वेज उठा के देखें तो इस वक्त की सबसे ज्यादा मकबूल जमात पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही है। तो ये अब इलेक्शन बिल्कुल नजदीक आ गया है, फैसला की घड़ी आगे आज नजदीक है, 25 जुलाई को सब देखेंगे कि क्या फैसला होता है इंशाल्लाह। तो ये MLN सबसे ज्यादा जो है मकबूल जमात साबित होगी पाकिस्तान में। जहाँ तक ये फाजिल साहब मैनिपुलेशन की बात कर रहे हैं जी, तो हम देख रहे हैं कि अब मैनिपुलेशन तो वो जो वोटर लिस्ट है वो और जो लोग रहने वाले खासतौर पर हमारे एरिया में उसमें से हमें भी इस तरह नजर आ रहा है कि 20% से ज्यादा वोट जो है वो शिफ्ट करके दूसरे इलाकों में भेज दिए गए हैं जी। वो जो वो डिफेंस ऑफ लिप्टन के रहायशी है उसका वोट वहाँ है ही नहीं जी, किसी का ताली रोड पे, किसी का भादराबाद में, किसी का डिफेंस क्यूब है।
ये तो हम इलेक्शन कमीशन को भी आगाह करने जा रहे हैं जी, ये किस तरह हुआ कि जिन लोगों ने चार चार दफा वोट डिफेंस ऑफ प्रेफरेंस डाला है आज उनका वोट जो है वो डिस्ट्रिक्ट लिस्ट में चले गया है, तो ये तो मामला कुछ इस तरह सामने हमारे आ रहे हैं। अगर अब लोग जो है काम चाहते हैं और लोग जो है कराची जो है वाले वो समझ गए इस बात को कि कौन सी पार्टियां डिलीवर कर सकती हैं और कौन सी पार्टियां डिलीवर नहीं कर सकती। तो कराची का मसला सफाई का और पानी का है, इसका जो सोल्यूशन मियां शहबाज शरीफ साहब ने दिया है वो लोगों को जो है वो बहुत अपील किया है, लोग उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक बात तो वो ज़रूर मानते हैं कि जो कराची में अमन है उसके पीछे मुस्लिम लीग नून है, ठीक है, और अमन कायम करने में जो है सिर्फ नून लीग ही कामयाब रही है, बाकी तो कोई सारी पार्टियां नाकाम हुई, ठीक है। तो अब जिस आपने देखा कि जिसको शहबाज शरीफ साहब आए और उन्होंने ये अपना प्लान अनाउंस किया तो उसके बाद सारी पार्टियां मुतरक हो गई और हर कोई डिसलिनेशन प्लांट की बात करना शुरू हो गया। तो जितनी पार्टियां यहाँ पे इलेक्शन लड़ रही हैं वो सब डिसलिनेशन प्लांट की बात कर रही हैं, वो जो है आइडिया फ्लोट करने वाले मियां शहबाज शरीफ साहब हैं और उन्होंने वादा किया है कि 6 महीने में जो है ये शहर साफ होगा और 3 साल में घर घर में जो है वो साफ पानी का पीने का पानी मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो है ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी उन्होंने अनाउंस किया है कि एक ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट आई गया है, 2 लाइनें और होंगी तो ट्रांसपोर्ट का मसला भी कराची में हल होगा। तो ये सारे जो प्लान है वो अब शहबाज शरीफ साहब के हैं और सबको यकीन भी शहबाज शरीफ साहब के पास ऊपर ही है कि वो एक ही लीडर है जो वो डिलीवर कर सकता है, बाकी कोई लीडर डिलीवर नहीं कर सकता कराची, ठीक है। अच्छा मीर साहब एक चीज़ का और जवाब दीजिएगा कि आपके ख्याल में कराची के जो प्रॉब्लम्स हैं वो महज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या फिर सिर्फ साफ पानी के हवाले तक महदूद हैं या इसके अलावा भी जो मसाइल हैं वो भी रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन का जो रेशो है बहुत ज़्यादा है, इस हवाले से जो डिवीजन की बात हो रही है क्या उसको एड्रेस कर सकते हैं इन फ्यूचर को, इस तरह का भी प्लान है आपके दिमाग में? देखिए जो भी काम करना हो ना उसके लिए पॉलिटिकल विल और कन्विक्शन की जरूरत होती है, ठीक है। लोगों ने ये देखा कि 10 साल में NFC अवार्ड के थ्रू 1500 अरब रुपए मिले हैं, अच्छा वो 1500 अरब रुपए का हिसाब देना होगा कि वो 1500 अरब गए किधर, वो लगे किधर है। हमें तो पूरे सिंध में कोई काम नजर नहीं आया, कोई वो पैसे नजर नहीं आए कि कहाँ लगाए गए। तो अगर वो पैसे लगे होते इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया होता, लोगों की जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश की गई होती तो सिंध बहुत कराची बहुत अच्छा होता आज, ठीक है। बट वो 1500 अरब रुपये जो है वो गायब हो गए हैं, वो नजर ही नहीं आए कि वो गए किधर, ठीक है, ठीक है जी। चलिए 1500 अरब रुपये गायब हो गए जी, ठीक है। 1500 अरब रुपए ये कह रहे हैं एनएससी में मिले, जी जी मेरी बात मैंने समझी इनकी बात। तो ये भी पार्लियामेंट में फेडरल गवर्नमेंट में थे जी, और 1500 अरब ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देना जी कि 1500 अरब मिले और गायब हो गए, गायब नहीं हो सकते ना, गवर्नमेंट के पैसे हैं, टैक्स पेयर के पैसे हैं, तो उसके लिए ये ऑडिट करवाते, सही हाँ सारी बात पता चल जाती है। अगर हम पर कोई गलती आती तो हाजिर हैं, तो अभी भी इनको है जाकर ऑडिट कराएं, और ऑडिट हर पाकिस्तानी कर सकता है कि भाई ये सही यूज़ हुए हैं या मिस यूज़ हुए हैं, ये तो आप कर सकते हैं ना, ऑडिटर जनरल्स हैं, थर्ड पार्टी एवोल्यूशंस हैं, दीगर मेकेनिज़म है जी, तो जाकर कराएं, हम हाजिर हैं कि उसका हिसाब किताब होना चाहिए, हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं। पहली बात तो स्वीपिंग स्टेटमेंट है कि 1500 अरब मिले हैं नहीं मिले हैं, वो भी आपको फाइनेंस से और फेडरल गवर्नमेंट से एलोकेशन तो हुई है, लेकिन क्या वो क्या डिस्पर्स हुए हैं या नहीं फंड्स? मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला कि बहुत सी स्कीम्स अनाउंस होती हैं और पैसे नहीं आते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था, तो समझाने के खातिर तो दोबारा मेरे ख्याल से रिपीट सूट नहीं करते, तो भले आप कराएं। दूसरी बात है कि अमन अमान जो पाकिस्तान में है या ऑपरेशन जो चले हैं वो जब मौरक तारिक लिखेगा तो ज़रूर उसमें ये कहेगा कि उसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट थी, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट थी, और मौरक ये भी लिखेगा कि पाक चाइना कॉरिडोर जब आ रहा था तो चीन ने कहा कि उस वक्त आएगा जब अमन अमान प्रॉपर होगा, तो आप चीन को भी दें, ये हम कहते नहीं हैं मगर जब मौरक तारीख लिखेगा तो उसमें ये बात जरूर। अच्छा करीम ख्वाजा एक चीज़ का वो तस्करा कर रहे हैं मीर साहब, वो ये है कि इससे पहले भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है लेकिन जो एथनिक बेसिस के ऊपर राइट्स हुए हैं या दूसरे और कम्युनिकल राइट्स हुए हैं ये भी तो
چیلنج رہا اس وقت ریزولو نہیں ہوا. یہ کہتے ہیں کہ پاسٹ میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جب وفاق میں تھی, لیکن معاملات جی وہ نہیں ہوئے اس وقت, اس طرح سے نہیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہو سکی. بار بار کلیم کرتے ہیں دیکھیں لا اینڈ آرڈر کا سچویشن جو دیکھیں کراچی کا تو ایشو یہ ہے کہ 85 میں یہ تو ہسٹوریکل ڈاکیومنٹس ہیں کہ ایک قوت نے فیصلہ کیا باہر کی قوت نے, کیونکہ 1999 میں ہانگ کانگ جا رہا تھا چین کے پاس جی, تو اس قوت کو اس خطے میں ایک فری پورٹ چاہیے تھا, ایک فری ملک چاہیے تھا جی, اور اس بنیاد پر یہاں ڈیولپمنٹس ہوئی. فارچونیٹلی 92 میں گلف میں جو وار ہوئی ہے, عراق نے جو ہے کویت پر حملہ کیا, تو امریکنز آ گئے اس سارے خطے میں, بالکل کراچی کی ضرورت ختم ہوئی. 92 میں آپریشن شروع ہو گیا جی, جی ان لوگوں کے خلاف جن لوگوں نے یہاں دہشت گردی پھیلائی تھی, اور وہ اس کی کنٹینیوٹی ابھی بھی چل رہی ہے جی. ٹھیک ہے, جو بنایا گیا تھا وہ مینٹلٹی یہ تھی جی. اب اس کو آپ کوئی بھی نام دے دیں کہ ہم کوٹا سسٹم کے لیے ہم آئے تھے جی, ہم اس کے لیے آئے تھے, ہم اس کے لیے آئے تھے. آگ کا دریا ناول ہے, آگ کا دریا ایک ناول ہے قرتن حیدر کا, بہت اردو کا شاہکار ناول جی, ہے جی. آپ پڑھیں جی, میڈم آپ بھی پڑھیں, بالکل میں یہاں نوجوانوں کو کہوں گا پڑھیں جی. اس میں بہت سے سارے سوالوں کا جواب ہے, اتنا 500 پیجز کا ناول جی, ہے جی. پڑھنے جیسا ہے, بالکل ایسا. تو یہ جو سوالات جو کر رہے ہیں نا, یہ جو دہشت گرد جو بنے تھے اب شریف بن گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, سیاست میں بھی آ گئے ہیں اب تو. پس منظر سارا اس کا یہ ہے, یہ ہسٹوریکل ڈاکیومنٹ سے چیزیں پروو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, جی میر صاحب. دیکھیں یہ ساری ہائپر ٹیکنیکل ڈسکشن ہے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ عوام اب بہت باشعور ہے, یہ اب لالی پاپ لینے والے نہیں ہیں کہ جی آڈٹ کرا لو فلانا کرا لو جی. عوام کہتی ہے جو گراؤنڈ ریلیٹی ہے کہ جی سینگ از بلیونگ, ہمیں دکھاؤ, ٹھیک ہے, یہ کاغذوں میں نہ الجھاؤ, دکھاؤ کہ وہ کام کدھر ہے. نہیں یہ تو جسٹیفیکیشن تو پیش کریں گے نا. دیکھیں اگر یہ کہتے ہیں کہ فنڈز الوکیٹ ہوئے ہیں اور وہ ڈسپرس نہیں ہوئے یا ان تک پہنچے نہیں, تو یہ کس طرح اس کو پریکٹیکلی جو ہے وہ تمام جو جتنے پروجیکٹس ہیں ان کو جو ہے وہ بنا کر دکھاتے یا اس کے اوپر جی جی. روڈ بنا تو بارش ہوئی تو روڈ بہ گیا, تو پھر جب روڈ بنا تو پھر لاہور میں کیا ہوا ہے کل, بارش میں سارا لاہور بیٹھ گیا ہے. نہیں وہ لاہور والے تو کہتے ہیں کہ بھائی پیرس ہے اور لندن ہے اور فلانا ہے, تو سارا ان کا میٹرو ویٹرو سب گر گئی ہے. تو یہ تو میرے خیال سے ٹیکنیکل طور پر تو ان کو بہت پیسے کمانے کے طریقے آتے ہیں, وہ کلاسز بھی چلائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ کس طرح کرپشنز کی جاتی ہیں جی. مانسون کے معاملات بھی کس طرح سنبھالنے سے وہ انٹرن گورنمنٹ ناکام رہی ہے, نہ انہوں نے فرنسز کے لیے ریلیز کیے, نہ جو اس کے اس کے لیے جو کام کر رہے تھے انہوں نے کیے, وہ جو سارا جو اس کا جو بلیم ہے وہ انٹرم گورنمنٹ کا ہے. جو ایس او پی نہیں, انٹرم گورنمنٹ تو لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ آئی ہے نا, وہ تو حسن عسکری صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو ریسورسز بڑے کم ہیں, اس کے اوپر تھوڑی ہم کو ڈیلیور کر سکتے ہیں. دیکھیں وہ یہ جو بارش ہوئی ہے انپریسیڈنٹڈ ہے, پہلے اتنی بارش ہوئی نہیں. بہرحال وہ جو اس چیز کے لیے وہاں پہ جو ہے سارا کام کیا گیا ہے, مگر وہ پہلے پلاننگ کی جاتی ہے, وہ نالے صاف کیے جاتے ہیں, پیسہ الاکیٹ کیے جاتے ہیں, اخباروں میں دیا جاتا ہے, تو جو کچھ کام کرنے تھے وہ کام نہیں کیے انٹرم گورنمنٹ نے. اگر شہباز شریف صاحب ہوتے تو آپ دیکھتے کہ نہ یہ کوئی پانی کھڑا ہوتا ہے, نہ یہ کوئی پرابلمس ہوتے. نہیں مطلب میر صاحب ایک بڑی معذرت کے ساتھ, میر صاحب ذرا اس چیز کا جواب دیجیے گا کہ جب شہباز شریف جا رہے تھے تو وہ یہ کہنے لگا کہ جی اب بجلی کی ذمہ داری میرے پہ نہیں ہے, اب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے آپ لوگ خود دیکھ لینا, تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ کو ایسی پلاننگ کر کے نہیں گئے کہ آپ کے سسٹم میں بجلی رہتی ہے, معاملات صحیح رہتے ہیں, یہ بھی تو ایک کریٹیکل پوائنٹ ہے. جس وقت ٹرم ختم ہوا ہے جی, تو بجلی جو ہے وہ گریڈ میں موجود تھی, جو پلانٹ لگانے تھے وہ لگائے گئے ہیں, وہ مسئلہ کو کافی حد تک ٹیکل کیا گیا ہے. اب اس کے بعد ان کا صرف کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو انٹر گورنمنٹ آ رہی ہے اس کو صحیح سے اس کو مینیج کرنا چاہیے, اس کی جو ہے نا جسٹ ڈسٹریبیوشن ہو, اس کا مطلب یہ تھا اس بات کا. ٹھیک ٹھیک, اچھا تو انہوں نے اس کو جو, اور یہ جو ابھی پھر جو ابھی سچویشن ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں انٹرم گورنمنٹ کی لیکنگ کی وجہ سے ہے. نہیں اس میں جو پہلے وہ کساروں کو پلاننگ کرنی تھی نا اس بات کی, یہ پلاننگ انہوں نے کوئی کی نہیں. پہلے تو اس طرح جب تک شہباز شریف صاحب چیف منسٹر رہے تو ایسا کوئی مسئلہ نہ ہوا, نہ صرف لوگوں نے دیکھا. اچھا ان کا پرائم آبجیکٹیو تو اصل میں الیکشن کو ہیلڈ کروانا ہے, یہ ان کا آبجیکٹیو تھا. آپ چلیں اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, یہ بھی ان کی پلاننگ میں شامل ہونا چاہیے. اتنے فاسٹ سائٹڈ اور ویژنری اگر انٹرم گورنمنٹ ہو جائے تو پھر لوگ انہیں سے جو ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیں. وہ جو الیکشن کے علاوہ جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں, اب اگر کوئی بات ہوگی تو وہ ان کو پہلے سے پلان کرنا ہے, دیکھنا ہے, بیٹھنا ہے,
ठीक वो नहीं किया गया है। अच्छा एक बात मैं जरूर आपको कहता चलूं, कल जो हमने बात उठाई है कि जी कोड ऑफ कंडक्ट तो बना दिया इलेक्शन कमीशन ने, और वो भी आप पूरे पाकिस्तान में देख रहे हैं कि जो है कहीं भी वो फॉलो नहीं हो रहा, बट हम कराची में पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जी कोड ऑफ कंडक्ट जो है इलेक्शन कमीशन का वो फॉलो किया जाए। बट जो खासतौर पर क्लिफ्टन और डिफेंस के एरियाज है, यहाँ पे डीएसए जो है वो कहती है कि जी हम तो इस कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं मानते, हमारा अपना एसओपी है। जी जी, कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा गया कि प्राइवेट बिल्डिंग्स में जो मालिक है उसकी इजाजत है आप अपना इलेक्शन मटेरियल डिस्प्ले कर सकते हैं, बट वो कहते हैं हमारे एसओपी में कोई पॉलिटिकल पार्टी की कोई चीज किसी घर पे नहीं लगेगी, किसी बिल्डिंग में नहीं लगेगी। अच्छा ये आपके दूसरी पार्टीज के रिजर्वेशन है इस हवाले से, क्योंकि हमारी जिनसे बात हो रही है वो तो मुतमईन नजर आ रहे थे। तो मैं जरूर आप देखें जाके पूरा डिफेंस लेसन में, जी जी बिल्कुल, ना कोई बैनर है ना कोई झंडा है, जी इतना लैक लस्टर जो क्रिएट किया जा रहा है खासतौर पर डीएसए की तरफ से। तो ये हमने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि भाई आपका कोड ऑफ कंडक्ट है ये प्रिवेल करेगा किसी एसओपी से, बिल्कुल अब दिन बहुत कम रह गए हैं, बट इसका जरूर जो है इलेक्शन कमीशन को कोई सजा प्राप्त करना चाहिए। ठीक है। अच्छा सेनेटर डॉक्टर करीम खान साहब आपसे मैं पूछूंगी, लाहौर में तो बारिशें रिकॉर्ड तोड़ बारिशें हुई हैं और ये सारी चीजें बता रहे हैं, इसी तरह पेशावर में भी बारिशें हो गई, वहां पे भी कोई तदाबीर पहले से नहीं की गई थी, कोई इंतजामात नहीं गए, दोनों जगहों के हालात हमने देख लिए, अब एक्सपेक्टेड है सिंध के अंदर बारिशें हैं, तो क्या सिंध वालों की तैयारी मुकम्मल है, जो सिंध वाले काम करके गए हैं, क्या यहाँ पर जो बारिशें होंगी उसके बाद हम देखेंगे कि हालात बेहतर होंगे या फिर यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ नज़र आ रहा होगा? इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट है, उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि हम ये करें वो करें, हमने तो जब भी बारिशें या सैलाब आए हैं तो जो भी हमारे वसाइल हैं उस हिसाब से हमने चीज़ों को जो है मैनेज करने की कोशिश की है, खुदा करे कोई ऐसी हैवॉक नहीं हो जिसमें लोगों की जान या प्रॉपर्टी को नुकसान हो। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर सेंटर करीम ख्वाजा साहब, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, और जावेद मीर शेख साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना बड़ा कीमती वक्त निकाला और जी हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू थी सियासी नौयत पर, आपके सामने हैं सारे मामलात सारे हालात और बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है कराची के अंदर भी जी, तो और सिंध में खास तौर पर, तो आप लोग बड़ा अपना ख्याल करें, खुद से जो है कुछ एहतियाती तदाबीर वगैरह इस्तेमाल कर लें, क्योंकि हुकूमत क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है तो आपके सामने ही ये सारी सूरत हाल। जाते थे एक मरतबा फिर मैं ये कहूँगी, रोज़ाना ये कह रही हूँ कि वोट पाकिस्तान की अमानत है और आप इसकी अमी हैं, तो इस अमानत का खास ख्याल रखना है आपने। आज जाते थे आज के वार्डरोब की भी बात कर लें, आज के वार्डरोब में स्पॉन्सर क्या है स्टाइलो प्रेट, थैंक यू सो वेरी मच स्टाइलो प्रेट फॉर सेंडिंग अस दिस ब्यूटीफुल ड्रेस। बिल्कुल जी, इसी हवाले से आज हमने प्रोग्राम में बात की और अख्तिताम भी इसी बात के साथ करते हैं, और आज के दिन के हवाले से खास तौर पर जैसा हमने गुफ्तगू की है 5 जुलाई 1977 की जो दिन है वो जो पाकिस्तान की जमहूरी तारीख है उसमें सियाह तरीन दिन जो है वो समझा जाता है, और इस हवाले से भी आज हमने प्रोग्राम में गुफ्तगू की, और इस हवाले से आप अपनी राय भी दे सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे तमाम मौजूदात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू जो है वो चलती रहेगी, खासतौर पर इलेक्शन के हवाले से जिस तरह के मामला इस वक्त जारी हैं उसके ऊपर हम गुफ्तगू करें, जितने भी इस वक्त नुमाइंदगान जो खड़े हो रहे हैं अपने हल्कों से उनको हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा मदू करें, और उनके इलाके के हवाले से जो मसाइल हैं उसके ऊपर उनसे बात की जा सके, वो कितने आगाह हैं अपने इलाके के मसाइल से, तो ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। अगर आपकी कॉल प्रोग्राम के अंदर शामिल नहीं की जा सकी तो सोशल मीडिया के ज़रिए आप अपने पैगाम भेज सकते हैं, यकीनन इसके ऊपर बात भी करेंगे और आपके सवाल उन तमाम नुमाइंदगान के सामने भी रखेंगे, तो ये सिलसिला इंशाल्लाह इसी तरह जारी रहेगा। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, कल इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में एक नए मेहमान एक नए मौजू के साथ बार हाजिर खिदमत होंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मोहम्मद यासर रिदा सैफी और गुड मॉर्निंग कराची की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, पाकिस्तान जिंदाबाद।